हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज बुलेरो नियो के अंदर का रात में कैसा व्यू दिखता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह ये देखिए, मैं चाबी ऑन करने जा रहा हूँ। ये होता है ऐसे स्टार्ट, ये बुलेरो लिख करके सीट बेल्ट का वार्निंग दे रहा है। यहाँ पे मैं इंस्ट्रूमेंट में आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट में कैसे क्या चीज़ होता है। यहाँ पर टायर प्रेशर भी दिखाता है, कितना हवा है टायर में। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट का कैसे यूज होता है। अच्छा, वो गेट मेरा खुला हुआ उस साइड का, इसलिए दिखा रहा है वो कि गेट खुला हुआ है, गेट बंद हो गया। ये जो बटन है इससे हम लोग इधर उधर इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जो बटन ये दिया हुआ है सेटिंग है, फिर ये ट्रिप दिखाता है, फ्यूल का दिखाता है कितना एवरेज दे रहा है, ये स्पीड दिखाएगा, यहाँ पे टायर प्रेशर दिखा रहा है, ये वार्निंग है, तो ऐसा है। ठीक है, मैं फ्लैश ऑन कर लिया आपको दिखाने के लिए। ये जो है इससे इंटर भी हम कर सकते हैं। अब सेटिंग में जैसे हम लोग अगर टाइम और डेट अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसमें गए, फ्यूल में आ गए, स्पीड में आ गए, टायर प्रेशर, वार्निंग, सेटिंग। अब इसमें जाने के लिए इसको होल्ड करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे तो ये सेटिंग खुल गया। अब सेटिंग में इधर उधर जाना है तो उसके लिए हमको ये वाला जो है ना बटन, इसको हम ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, इसको दबाएंगे तो नीचे आएगा टेम्परेचर, प्रेशर, प्लेबैक, क्लॉक। अब फिर अगर मेरे को क्लॉक खोलना है तो फिर यहाँ से इसको एक बार दबाएंगे तो मेरा क्लॉक खुल गया। अब इसमें टाइम सेटिंग में जैसे मैं जाता हूँ टाइम फॉर्मेट में, तो टाइम फॉर्मेट जाने के लिए फिर सेलेक्ट करने के लिए मेरे को ये दबाना पड़ेगा, ये हो गया। फिर ये 12 घंटा 24 घंटा जो करना है, मतलब मूव करने के लिए ये बटन है और उसमें इंटर और सेलेक्ट करने के लिए हमारा यही बटन है, मेन बटन ये है अपना। ठीक है, टाइम सेटिंग में अगर मैं आता हूँ यहाँ से, ये ऐसे ऐसे टाइम सेटिंग में आया, फिर इसको दबाऊँगा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ बैक का दिए हुए है, मूव करने के लिए दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम लोग टाइम वगैरह सब सेट कर सकते हैं। ये ऐसा दिखाता है ये, इसको फिर बैक गया, मैं बैक गया, इसको बैक जाना है तो और नीचे जाना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ जा कर के ऐसे बैक चला गया। अब इसका मैं लाइट अगर ऑन करता हूँ तो ये ऐसा कुछ, ये छोटा वाला लाइट ऐसे ऑन होता है, फिर ये बड़ा वाला लाइट, ये देखिए लाइट, ये पासिंग, ये लाइट। ठीक, ये है लाइट ऑन करने के बाद अंदर का सारा लाइट ऐसे ये जल जाता है। इस पे जो है ये देखिए फ्लैश ऑफ कर दिया हूँ, कुछ ऐसा दिखता है अंदर का व्यू, नाइट का रेड रेड थीम है, ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें अगर हम लोग इसका अगर टाइम डेट चेंज करना चाहते हैं, इसमें जो यहाँ पे टाइम शो करता है, अगर इसमें हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ ये सेटअप है, सेटअप पे जाएंगे, इससे इसका ऊपर नीचे होता है, साउंड, डिस्प्ले, टाइम और डेट। इस पर अगर इन प्रेस करेंगे तो इंटर हो जाएगा ये टाइम डेट, यहाँ से हम लोग इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया अपना टाइम डेट, सब चेंज कर सकते हैं जो भी है, ये हो गया टाइम हो गया। ठीक, अब इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करने का डेट, यहाँ से डेट भी हो सकता है चेंज, 11 अक्टूबर 2022। ठीक है, डेट भी यहाँ से कर सकते हैं हम लोग, स्लीप मोड में भी जाता है। सब होता है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग ब्लूटूथ में जा सकते हैं, ब्लूटूथ में सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं डिवाइस, पेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पेयर डिवाइस देख सकते हैं। ये मैं तीन सेट किया हूँ इसलिए तीन मेरे को पेयर दिखा रहा है इसमें। ठीक है, ये हो गया। और इसमें एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, इसमें गियर का भी इंडिकेशन देता है। जैसे ही अपन लोग जैसे गियर शिफ्ट करेंगे ना तो ये सी इंजन दे रहा है ना, इंजन के नीचे यहाँ पे गियर शो करता है, इंडिकेट करता है। अभी तो मैं गाड़ी ऑन नहीं किया हूँ, चला नहीं रहा हूँ, नहीं तो मैं ऑन करके आपको दिखा देता। यहाँ पर जो है ये गियर दिखाता है, जितना गियर अगर हम लोग लगाएंगे उतना गियर ये यहाँ पे हम लोग को दिखाता है। रुकिए, मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ, शायद दिखा है, एक मिनट।
हाँ देखिए न्यूट्रल दिखा रहा है अभी, एन लिखा यहाँ पे मतलब न्यूट्रल है। नहीं गियर अभी ऐसे सोक नहीं करेगा, जब चलेगा ये तभी सोखाएगा मेरे को जहाँ तक उम्मीद लगता है। ये देखिए एक गियर में लगा मैं इसको बढ़ा रहा हूँ लेकिन नहीं वो जब मतलब कुछ चलेगा तब ये पता चलेगा। ये ऐसा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ, ये ऑफ करने के बाद ऐसा हो जाता है, फिर एक बार और इसको ऑफ करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।